आप इस समय से देश की हालत बहुत गंभीर हो गई है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। किसी भी व्यक्ति समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है। देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। आज हमारे युवा इस तरह की बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं जैसा कि दशकों से नहीं हुआ। बच्चे काम की तलाश में भटक रहे हैं, लगी लगाई नौकरियां भी उनके हाथ से जा रही है। उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि हम युवाओं के भविष्य के लिए कठोर संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं। आज जब मैं अपने अन्नदाता किसान भाइयों की दशा को देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। उनकी परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनका जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। उन्हें अपने खेतों के लिए सही समय पर बीज नहीं मिलता, आसानी से खाद नहीं मिलती, पानी बिजली की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती। इतनी सब कठिनाइयों के बावजूद फसल के उचित दाम भी नहीं मिलते हैं। तो भाइयों और बहनों हमें बताइए कि अपने किसान भाई बहनों के लिए संघर्ष करने को हम तैयार हैं कि नहीं। हमारे कामगार भाई बहन दिन रात मजदूरी में लगे रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना अपना काम करते हैं, फिर भी उन्हें दो समय की रोटी ठीक से नहीं मिल रही है। बताइए हम उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं। छोटे बड़े कारोबारी बैंकों से कर्ज लेकर जो काम धंधा शुरू किए हैं वे मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण तबाह हो गए हैं। काम धंधा नहीं चलने की वजह से वो समय पर बैंक का कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं। तो मुझे बताइए आप कि इन्हें उनके लिए हम सब संघर्ष करने के लिए तैयार हैं कि नहीं।